नेक्स्ट इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मीनिंग है इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. सो अगर स्ट्रिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी सी डी है तो इसका फ्रंट पार्ट क्या क्या हो सकता है, वो सारे इसके प्रीफिक्सेस होंगे. देखिएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी सी डी को मैं एप्सिलॉन डॉट ए बी सी डी लिख सकता हूँ, इसको ए डॉट बी सी डी, ए बी डॉट सी डी, ए बी सी डॉट डी, ए बी सी डी डॉट. तो डॉट के पहले वाले ये सारे प्रीफिक्सेस हैं. सो प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूँ, सो ये सारे के सारे क्या हैं, इट इज़ ए प्रीफिक्स. प्रीफिक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी, इट इज़ ए प्रीफिक्स. देखिए ये डब्ल्यू की लेंथ 4 है तो नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितनी स्ट्रिंग्स प्रीफिक्स आ रहे हैं, 5. सो मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 4 एंड मॉड ऑफ प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स इक्वल्स टू 5. इफ लेंथ ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एन देन कार्डिनलिटी ऑफ प्रीफिक्स इक्वल्स टू एन प्लस 1. सफिक्स मीन्स बैक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग. इफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू ए बी सी डी तो बैक पार्ट्स ए बी सी डी डॉट एप्सिलॉन, ए बी सी डॉट डी, ए बी डॉट सी डी, ए डॉट बी सी डी एंड डॉट ए बी सी डी. सो बैक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑल सफिक्स. सो सफिक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन डी सी डी बी सी डी ए बी सी डी. लेंथ ऑफ डब्ल्यू 4, नंबर ऑफ सफिक्स 5. सो इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एन देन कार्डिनलिटी ऑफ सफिक्स इक्वल्स टू एन प्लस 1. नेक्स्ट रिवर्स और ट्रांसपोज. देखिए किसी स्ट्रिंग का रिवर्स या ट्रांसपोज क्या होगा, स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा करके लिख दीजिए. लाइक डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी सी डी देन डब्ल्यू रिवर्स या डब्ल्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी सी बी ए, इट इज़ द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम, अगर कोई स्ट्रिंग अपने रिवर्स के इक्वल है तो इसको हम पैलिंड्रोम कहेंगे. एंड इसका लेंथ अगर इवन है तो इट इज कॉल्ड इवन लेंथ पैलिंड्रोम, और लेंथ ऑड है इट इज कॉल्ड ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. सो इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आर इक्वल्स टू डब्ल्यू ट्रांसपोज इट इज ए पैलिंड्रोम. ये क्या है, पैलिंड्रोम. अब पैलिंड्रोम की लेंथ अगर इवन है तो इवन लेंथ पैलिंड्रोम, ऑड है तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम. इफ मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू इवन देन इट इज कॉल्ड इवन लेंथ पैलिंड्रोम. If mod of W equals to odd, then it is called odd length palindrome. For example, let string W equals to A A A. Iska reverse bhi. ओके नेक्स्ट इट इज़ फाई. फाई इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट. एंड एप्सिलॉन इट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग. एम्प्टी सेट मीन्स ए सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है. एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब एक सिंगल एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, 0 है, इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग. इफ एल गिव्स फाई इट मींस लैंग्वेज एल, एल क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज. इस लैंग्वेज के अंदर एक भी स्ट्रिंग नहीं है, इट इज एम्प्टी लैंग्वेज. एंड एल गिव्स एप्सिलॉन इट मींस कि एल के अंदर एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग है.
इसका मीनिंग है कि एल के अंदर एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग क्या है, एप्सिलॉन जीरो लेंथ की स्ट्रिंग। एल की पावर जीरो इन थियोरी ऑफ ऑटोमेटा में किसी की पावर जीरो मीन्स एप्सिलॉन। व्हाट डज इट मीन्स एल की पावर जीरो मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ एल इक्वल्स टू जीरो, सो इट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड एल की पावर वन मीन्स इट इज एल, एल टू मीन्स एल डॉट एल, एल थ्री मीन्स एल डॉट एल डॉट एल, डॉट 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 एल की पावर एन मीन्स इट इज एल डॉट 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 एन टाइम्स। फाई का मीनिंग था एम्प्टी सेट और एप्सिलॉन का मीनिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग, सो दोनों में यही डिफरेंस है। फाई का मतलब है कि एम्प्टी सेट है, सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी का मीनिंग है एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी जीरो लेंथ की स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, फाई स्टार इक्वल्स टू व्हाट। फाई स्टार इट इज फाई की पावर जीरो यूनियन फाई की पावर वन यूनियन फाई की पावर टू यूनियन डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं क्लीन स्टार। सो क्लीन स्टार कैसे निकलता है, फाई टू की पावर जीरो यूनियन फाई की पावर वन यूनियन फाई की पावर टू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो हम जानते हैं इन थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में किसी की पावर जीरो इट इज़ एप्सिलॉन एंड फाई वन इट इज़ फाई एंड फाई डॉट इट इज़ फाई 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 टू इन्फिनिटी। सो फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, नथिंग, सो इट इज़ ओनली एप्सिलॉन। सो फाई स्टार इक्वल्स टू एप्सिलॉन, फाई स्टार इक्वल्स टू एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन स्टार इक्वल्स टू एप्सिलॉन की पावर जीरो यूनियन एप्सिलॉन की पावर वन यूनियन एप्सिलॉन की पावर टू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। एप्सिलॉन की पावर जीरो इट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वन इट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इट इज एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन के कॉन्कर्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन इट इज एप्सिलॉन एप्सिलॉन। और सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो एप्सिलॉन स्टार इक्वल्स टू एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन स्टार इक्वल्स टू इट इज एप्सिलॉन। नेक्स्ट देखिएगा, एल स्टार एल की पावर जीरो यूनियन एल की पावर वन यूनियन एल की पावर टू यूनियन एल की पावर थ्री डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो एल स्टार इक्वल्स टू इट इज एप्सिलॉन सिंगल एल डबल एल 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 अप टू इन्फिनिटी एंड एन प्लस इक्वल्स टू एल प्लस और स्टार में डिफरेंस क्या है। एल पॉजिटिव क्लोजर का मतलब एप्सिलॉन की पावर वन यूनियन एप्सिलॉन टू यूनियन एप्सिलॉन क्यू डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो पॉजिटिव क्लोजर इक्वल्स टू हमने डिस्कस किया था एल स्टार इक्वल्स टू एल पॉजिटिव क्लोजर यूनियन एप्सिलॉन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। सो एल कोई लैंग्वेज है, एल इज ए लैंग्वेज, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इट इज यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, यूनिवर्सल लैंग्वेज सिग्मा स्टार माइनस एल। इफ एल गिव्स एप्सिलॉन देन एल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एप्सिलॉन, सो इट इज सिग्मा प्लस। एंड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू अगेन सिग्मा स्टार माइनस एल कॉम्प्लीमेंट, और सिग्मा स्टार माइनस एल कॉम्प्लीमेंट इट इज सिग्मा प्लस, सो अगेन इट इज एप्सिलॉन। तो किसी लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन वही लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। इफ सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी, एल वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हुई हैं, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ए ए ए
ए बी ट्रिपल ए बी, ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं? इनफाइनाइट स्ट्रिंग। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इक्वल्स टू सिग्मा स्टार माइनस एल इक्वल्स टू ए कॉमा बी स्टार माइनस एल। सो यूनिवर्सल सेट ए कॉमा बी स्टार माइनस एल, इस सेट से वो सारी स्ट्रिंग्स सिग्मा स्टार से वो सारी स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो ए से स्टार्ट हुई हैं, तो क्या बचेगा? इट इज एप्सिलॉन, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज एप्सिलॉन, एंड देन सिंगल बी बी ए बी 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 ए बी बी, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल वो सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट नहीं हुई है। सो इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल। नेक्स्ट इज कॉन्केटनेशन। इफ एल वन एक लैंग्वेज है, इफ एल वन इक्वल्स टू ए टू की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड एल टू इज अनदर लैंग्वेज ए टू की पावर नॉट ए टू की पावर इट इज बी टू की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो देखिए एल गिव्स ए टू की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसमें क्या स्ट्रिंग्स होंगी? एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करिए अप टू इन्फिनिटी, और जो सारी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो सारे सेट में होंगी। एन जीरो रखा है, ए टू की पावर जीरो इट इज एप्सिलॉन, एन इक्वल्स टू वन इट इज ए डबल ए ट्रिपल ए डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। एल टू के अंदर हम देखते हैं एन जीरो रखा है इट इज एप्सिलॉन, एन इक्वल्स टू वन पर भी इट इज बी बी। सो व्हाट इज एल वन डॉट एल टू? एल वन डॉट एल टू, एल वन इज एप्सिलॉन ए, ए ए को आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इट इज एप्सिलॉन बी, बी बी को बी स्क्वायर बी क्यू डॉट डॉट डॉट, इनका कॉन्कैटनेशन करिएगा। इस एप्सिलॉन का कॉन्कैटनेशन बाकी के सारे एलिमेंट के साथ किया, इट इज ए ए स्क्वायर, इस एप्सिलॉन का कॉन्कैटनेशन सभी से किया। सो सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज अगेन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑलरेडी आ चुका है तो सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा। नाउ बी के साथ बी, बी स्क्वायर बी क्यू। नाउ इस ए का कॉन्कैटनेशन सभी के साथ करिएगा, ए ऑलरेडी आ चुका है, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, सो ए डॉट बी, ए बी स्क्वायर, ए बी क्यू। ए स्क्वायर का कॉन्कैटनेशन सभी के साथ करिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट डॉट। तो देखिए ये कॉन्कैटनेशन में सेट जो आया है, इस सेट के अंदर एप्सिलॉन भी है, ओनली ए की स्ट्रिंग भी है, ओनली बी की स्ट्रिंग भी है, और ए बी के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग भी है, बट सारी स्ट्रिंग में ए पहले आया है उसके बाद बी, और ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, इट इज़ ए बी नंबर ऑफ ए क्वेश्चन नंबर ऑफ बी, इट इज़ ए बी स्क्वायर ए बी क्यू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो इन जनरल एल वन डॉट एल टू इट इज़ ए की पावर एन एंड बी की पावर एम, एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। देखिएगा L1 वन इक्स ए टू की पावर n, L2 टू बी टू की पावर n, तो ये मत लिख दीजिएगा L1 वन डॉट एल टू इक्वल्स टू ए की पावर n, b की पावर n, n n ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या कह रही है, इसमें सारी की सारी स्ट्रिंग किस पैटर्न की होंगी? एप्सिलॉन, दोनों इक्वल होंगे a, n की हर एवरी वैल्यू के लिए नंबर ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ b, बट एक्चुअल कॉन्कैटनेशन में रिजल्ट क्या आया? केवल a की स्ट्रिंग हो सकती है, ओनली b की स्ट्रिंग, और a b के कॉम्बिनेशन की हो सकती है, बट कितने भी ए कितने भी बी हो सकते हैं, बट इसमें क्या कह रहा है, ए टू की पावर एन बी की पावर एन, अगर दोनों का पावर एम है आप इस तरह से मत लिखिएगा, इट इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? क्योंकि ये जनरेट कर रहा है और ये लैंग्वेज कुछ अलग है। तो एल वन डॉट एल टू इक्वल्स टू, आप दोनों का पावर चेंज कर दीजिए, इट इज़ एन एम, चाहे इसे एम ले लो इसे एन ले लो, बट बोथ आर डिफरेंट, एन एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ L2 टू डॉट एल वन बी की पावर m a की पावर n, n कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो।
So, L1 dot L2 is not equals to L2 dot L1, it is not commutative. Ek aur example dekhiyega. L gives a2 ki power n, b ki power n, n greater than equals to 0. So, L square equals to L dot L, or L dot L kya hoga? L, it is a ki power n, b ki power n dot, again L, but is baar aap power ko change kar denge, a2 ki power m, b ki power m, m comma n is greater than equals to 0. If L cube 3 times L dot L dot L, so a ki power n, b ki power n, and again second L, aap power ko change kar denge, a2 ki power m, b ki power m, again L, again power ko change kar diye, a ki power k, b ki power k, and n comma m comma k is greater than equals to 0. So, this is all about concatenation. So, grammar kya hai? Grammar, it is a set of production rules for writing in a formal language. Grammar ka meaning hai, wo sare rules jisse aap sentence ko banate hain. Language ka meaning kya hai? Collection of infinite sentence. Aur sentence aap kis tarah se banate hain? Words ko kis tarah se arrange karte hain? Aap grammar ke rules se aap words ko arrange karte hain. In theory of computation mein sentence just like a string. So, string ko aap kis tarah se banayenge? Wo sare rules unko kya bolte hain? Grammar. So, it is a set of production rule. For strings in a formal language. It is generator, it is also generator because grammar generate, it generate string, that's why it is also called generator. Hum logon ne discuss kiya tha symbol. And हमने देखा था collection of symbols, finite symbol, it is alphabet. Alphabet से हमने string बनाया था, string, it is a finite sequence of symbol. But strings alphabet से कैसे बनेंगे, इसके कुछ rules की जरूरत पड़ेगी. तो वही rules, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, it is a grammar. So, grammar, it is a set of production rules for string in a formal language. इसको detail में हम आगे discuss करेंगे next video में. Formal language, so language kya hota hai? Language is a collection of sentence, collection of valid sentence. If number of sentence finite, then it is called finite language. If number of sentence infinite, then it is called infinite language. In theory of computation mein sentence just like a string. So in theory of computation mein formal language ka meaning kya hai? Formal language, it is a collection of strings. If number of string finite, then it is called finite language. If number of string is infinite, then it is called infinite language. So, formal language, it is a collection of strings. In mathematical definition, L, it is a subset of sigma star. So, formal language L, it is a subset of sigma star. L subset of sigma star हमने क्यों लिखा है, हम देखते हैं इसे. If sigma equals to a comma b, then L1 set of all string of length 2 over sigma. So, देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये कौन सी ऐसी स्ट्रिंग होंगी सिग्मा पे जिनका लेंथ 2 होगा. सो इट इज ए ए ए बी बी ए बी बी. अनदर लैंग्वेज L2, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 ओवर सिग्मा. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए ए ए ए ए बी A B A A B B B A A B A B B B A and now L3
set of all strings start with A. So, A से start होने वाली वो सारी strings, ऐसी कितनी strings हैं? Infinite. So, infinite strings like smallest string is A and now it is AA, AB, not BA, it is AAB, ABA, up to dot 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 infinite. Now, L4, set of all strings ends with A. So, ends with A, वो सारी strings जो A से end हो रही हैं, ऐसी total strings कितनी है? Infinite. और A से end होने वाली smallest string, it is smallest A, BA, AA, BAA, AAA, dot 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 to infinite. Sigma star equals to epsilon, single length string, all string A or B ke combination, it is everything of BA, BB. Sigma star ka meaning hai, wo sari string jo A or B ke combination se ban sakti hai. It is everything of A and B, it is a universal language, it is a set of all possible string of all length over sigma. Set of all possible strings of all length over sigma. So, sigma star इसको हम बेटा universal language भी बोलते हैं, it is universal language. आप देखिएगा L1, L1 is a subset of sigma star. L1 के अंदर फोर सेंटेंस हैं और सिग्मा स्टार के अंदर सब कुछ है, तो L1 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार आप लिख सकते हैं. सिमिलरली L2 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार एंड सिमिलरली L3 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार एंड L4 इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार. सो डॉट 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 ऑल लैंग्वेज इट इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार. सो आप कह सकते हैं कि सारी की सारी लैंग्वेज इस सिग्मा स्टार का सबसेट है, तो इन जनरल आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज एल इट इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार. सो हियर एल इट इज ए फॉर्मल लैंग्वेज, इट इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार. एंड वन मोर थिंग, एल वन नंबर ऑफ सेंटेंस कितने हैं इसमें? टोटल फोर सेंटेंस हैं. फोर इज ए फाइनाइट, किसी लैंग्वेज के अंदर अगर फाइनाइट सेंटेंस है तो उसको हम फाइनाइट लैंग्वेज कहेंगे, इट इज ए फाइनाइट लैंग्वेज. What about L2? L2 के अंदर भी total strings 8 strings हैं and it is also finite language. And L3, L3 के अंदर number of string infinite string. And what about L4? L4 के अंदर भी number of string infinite strings. So L3 and L4 both are infinite language. देखिए बेसिक्स में हमने डिस्कस किया सिंबल एंड सिंबल से हमने डिस्कस किया अल्फाबेट. सिंबल एनी पिक्टोरियल एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ सिंबल एंड अल्फाबेट इट इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, बट अल्फाबेट से स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी और यही रूल्स क्या हैं? ग्रामर. And collection of strings it is called formal language. If number of string finite, then it is called finite language. If number of string infinite, then it is called infinite language. Okay. States. स्टेट का मीनिंग है कि एनी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम एट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टेट.
So, in theory of computation mein, there are 5 types of states. Initial state, final state, intermediate state, trap or dead state, unreachable state. So, initial state kya hai? Initial state jahan se aap kisi machine ko start karenge to wo initial state hai. And final state accepting state hai jahan pe aapka goal achieve hota hai, wo final state hai. Accepting state jahan jo bhi task desired aapka goal hai wahan agar aap pahunchte hain us state ko final state bolte hain. Intermediate state, intermediate state initial se final mein jane mein jo bhi beech mein intermediate state aayi wo sari states kya hai, intermediate state. Trap or dead state ka kya meaning hai? Trap or dead state aisi state jis par jane ke baad aap final state pe nahi ja sakte, that is called trap or dead state. Unreachable state, unreachable state aisa state jisko initial ke through aap us pe nahi ja sakte hain, aisi state jo initial ke through access nahi hai us state ko hum kya bolte hain, unreachable state. देखिए कोई भी मशीन आप स्टार्ट कहां से करेंगे, इनिशियल स्टेट से, और आपका फाइनल स्टेट, आपका गोल क्या होगा फाइनल पे जाने का, वो फाइनल स्टेट, इसके बीच में जितनी भी स्टेट हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेट. एंड ट्रैप और डेड स्टेट ऐसी स्टेट जिस पे जाने के बाद आप फाइनल पे कभी नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड ट्रैप और डेड स्टेट. एंड अनरीचेबल स्टेट वो स्टेट जो इनिशियल के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनरीचेबल स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ये किसी मशीन का मॉडल बना हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इट इज़ ए फाइनाइट ऑटोमेटा, ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे. इसमें देखिएगा कि इस ऑटोमेटा के अंदर जो ए है इट इज़ इनिशियल स्टेट, कि मशीन कहाँ से स्टार्ट हुई है, बिगिनिंग स्टेट, सो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल स्टेट. और इनिशियल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इंडिकेशन एरो, उसके बिगिनिंग में एरो लगा होगा. एंड फाइनल स्टेट आपका डिजायर्ड गोल जहाँ पर आपको जाना है, दैट इज़ फाइनल स्टेट. एंड इनिशियल से फाइनल में जाने में जो भी स्टेट आई दैट इज इंटरमीडिएट स्टेट. और ट्रैप और डेड स्टेट जिस पे जाने के बाद आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड ट्रैप स्टेट. और अनरीचेबल स्टेट जो इनिशियल के थ्रू आप जिसको एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनरीचेबल स्टेट. सो यहाँ पे ए इट इज इनिशियल स्टेट, डी इट इज फाइनल स्टेट, इट इज ट्रैप और डेड स्टेट, एंड इट इज अनरीचेबल स्टेट. एंड बी एंड सी बोथ आर इंटरमीडिएट स्टेट. इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन में कोई भी मशीन आप स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, इनिशियल स्टेट सिंगल एक ही स्टेट होगी और फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है. इनिशियल और फाइनल के बीच में जितनी भी स्टेट हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट हैं. और ट्रैप और डेड स्टेट ऐसी स्टेट जिस पर जाने के बाद आप फाइनल पे नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड ट्रैप और डेड स्टेट. अनरीचेबल स्टेट जिसको इनिशियल के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता, दैट इज. तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA एंड NFA. थैंक यू दोस्तों. अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल and press the bell icon for more updates. Thank you.